News 18, India. राम रमेश ने बोला है, मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं। पुनः कहती हूं, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के, अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए।